ओ भाई ओ, कहाँ लेके जा रहे स्कूल रे? क्यों दिखना रहा तुझे अपने कमरे में ले जा रहा हूँ? क्यों भाई, तेरी बारी थोड़ी, आज मेरी बारी, मेरे कमरे में लगेगा कूलर। ओ तेरी बारी कैसे होगी? ए दो दिन से तू ना सो रहा कूलर के आगे, और कल जब मेरी बारी थी मैं तो था ना घर में, तो तू ही सोया होगा ना इसके आगे। हाँ तो कोई तो सोता ही ना, और गलती तेरी है इसमें, तूने अपनी बारी मिस कर दी। अच्छा तो तू महाराज जी 3 दिन लगातार कूलर के आगे सोएगा और हम गर्मी में मरेंगे। ओ गर्मी में सोके तू तंदूरी मुर्गा ना बन जाएगा, कूलर तो मेरे कमरे में लगेगा। ठीक है फिर एक काम करते हैं, तेरे कमरे में लगेगा ना तो मैं तेरे साथ सोऊंगा। क्यों तू क्यों सोएगा मेरे साथ, अपने कमरे में सो। ठीक है फिर कूलर मेरे कमरे में लगा देते, तू मेरे साथ सो जा। ना ना भाई, मैं ना सोता तेरे कमरे में, मुझे अपने बेड पर नींद आती है, ठीक है ना? साले नींद का तो बहाना ले रहा है तू, पूरा टाइम रिंकी से बात करता रहता है, मुझे क्या पता ना है। ओ भाई देख, कूलर की लड़ाई में ना रिंकी के बीच में मतलब, नहीं तो मैं भी बता दूं पापा तू क्या करे रात में। क्या 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 बताएगा तू है, क्या बताएगा पापा को? अरे सुट्टा पिया है तू, सब देखा मैंने अपने आंगन से, बता दी ना पापा टूटर लाल कर देंगे तेरे मार मार के। मैं भी बताऊंगा पापा को कि तू आईपीएल में सट्टा लगाता है, और अब कूलर लगेगा मेरे कमरे में। मैं बता रहा हूँ, छोड़ दे छोटे, बता रहा हूँ मैं, पिट जाएगा तू, छोड़ दे मैं बता रहा हूँ। अरे देख ले तू बहुत बदतमीजी कर रहा है, बता रहा हूँ तेरे से बढ़ाओ मेरे कमरे में लगेगा ये। ऐसे कैसे लगा लेगा तू, 10 बाल्टी पानी भरा मैंने इसमें, और हवा खाएगा तू। तो क्यों भरा था, किसने कही थी? मैं आके भर लेता अपना पानी। अच्छा तू भर लेता अपने आप पानी, अपने कच्चा तुझ पे धुलते नहीं है, 10-10 दिन तेरा कमरा गंदा रहता है, पानी भरेगा। अरे घर पड़े पड़े तू दूसरे के कच्चे ही देखता रहे, और मेरे कमरे में जब चाहे साफ कर, तुझे इससे क्या लेने देना, ये कूलर मेरा है याद रखियो ये बात। तेरा कूलर है, ये पापा ने लगाया, तेरा ना है बेटा। हाँ तो पापा घर पे है नहीं, और पापा की गैर मौजूदगी में प्रॉपर्टी का पहला हक तो बड़े बेटे का ही होता है ना, तो ये कूलर हुआ मेरा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, कूलर के साथ साथ तू मेरी प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहता है। ऐसा है भाई, मैंने इस साल इसमें घास लगवाई है, कूलर मेरे कमरे में चलेगा पूरी साल। हाँ तो इसमें मोटर पंप मैंने लगवाया है, तो कूलर लगेगा मेरे कमरे में। हाँ तो तू एक काम कर, अपना पंप निकलवा ले, मैं नया पंप लगवा लूंगा इसमें। मैं क्यों निकालूं, तू अपनी घास निकलवा ले, मैं लगवा लूंगा। भाई ऐसे घास वास नहीं निकलती, पंप बदल जाते, घास नहीं बदलती है। नहीं मानेगा, मैं बता रहा हूँ रहने दे। भाई मैं भूल जाऊंगा तो मेरा बड़ा भाई भूत बना दूंगा मार मार के। दीदी तुम बीच में मत बोलो, बहुत बदतमीज होगा ये, देख रही हो बड़े भाई पे हाथ उठा रहा है, आज इसको तमीज मैं सिखा के रहूंगा। क्या तो ये रहेगा घर में ये मैं? अरे तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला, कौन रहेगा घर में, तेरे बाप का घर है ये। देख लो देख लो, अरे बेशरम शर्म कर, तेरा बाप मेरा बाप अलग अलग है क्या? ऐ साले तेको समझ नहीं आ रही, तेरा बाप अलग है क्या? सट्टा लगावे तू, ऐ साले बाप के पापा को बताओ सटोरी है। अरे मम्मी पापा घर पे नहीं है तो जानवरों की तरह लड़ रहे हो, पहले पूरी बात तो बता हुआ क्या है। मैं बताता हूँ दीदी, 2 दिन से कूलर के आगे ये सो रहा है, आज मेरी बारी है तो मैं सोऊंगा ना, अब देखो कूलर अपने कमरे में ले जा रहा है, गलत बात नहीं है इसकी? गलत बात है छोटे, कूलर आज इसके कमरे में लगेगा, सोने दे इसे। दीदी गलत सही की तो बात तुम करो ही मत, मम्मी पापा गांव क्या चलेगा, आगे जीजा लेके हमारा एसी वाला कमरा हड़प लिया। तो तू ज्यादा बोल मत मेरे और उनके बारे में, समझा? और ये बेचारा मेहनत करके आया इसको कूलर दे सोने के लिए, इतनी दया आ रही है इस पे, तो जीजा के साथ सुला लो इसे एसी वाले कमरे में। अरे तेरे जीजा को अकेले सोने की आदत है, बदतमीज कहीं का। बदतमीज, मुझे ना पता कुछ भी, कूलर तो मेरे कमरे में लगेगा। कूलर पर हक मेरा है आज तो मेरे कमरे में लगेगा। जाजा बढ़ाया हक वाला, हक तो आज मेरा, और अपने हक के लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा। पहले मुझसे लड़ ले। चल अरे हटो, अरे पागल हो गए हो क्या, घर के अंदर लड़ रहे हो? तो एक काम करते, बाहर आ तू, बाहर आ तुझे मैं बताता हूँ। चल बाहर चल, आज तो पूरा गंजा कर दूंगा, चल मुझ पे भी चप्पल है, अरे चप्पल से सूतूंगा तुझे। अरे रुक जा, दोनों की करतूते पता है मुझे, अगर पापा को बता दी ना तो कूलर तो छोड़ो पंखे से भी जाओगे दोनों, सोचने दो मुझे कुछ आइडिया।